हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्समैन रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन 30/10/2023 को जारी हो चुका है। इसका फॉर्म 30/10/2023 से 28/11/2023 तक भरा जाना है। फॉर्म भरने का अंतिम तारीख 28/11/2023 ही रहेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस दो स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट होगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। इसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो इसमें आपका सैलरी स्तर लेवल 4 का रहेगा, जिसमें 25,500 से 81,100 तक आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स के अनुसार मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी का डिटेल्स दिया गया है, इसे आप पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रहेगा। एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं रहेगा और सभी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार का फीस नहीं लगेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो 12वीं पास होना जरूरी है और आपके पास स्पोर्ट्स से संबंधित स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो कैंडिडेट का एज लिमिट 1 अगस्त 2023 से 18 वर्ष और 23 वर्ष के बीच होना चाहिए और जन्म 2 अगस्त 2000 से 1 अगस्त 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एससी एसटी को अपर एज लिमिट से 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ओबीसी को अपर एज लिमिट से 3 वर्ष की छूट रहेगी और ऐसे कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल या उससे अधिक का सेवा प्रदान कर चुके हैं उनमें एससी एसटी के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। तो अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। हाइट आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पीडीएफ को आखिरी में एक बार और स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसे पॉज कर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।